लेकर के कार्रवाई शुरू है ये पेपर मुद्दे पर, जमीनी मुद्दे पर अभी तक नहीं दिख रहा, मगर बिहार सरकार को और बिहार सरकार की जो टीम है, जो वन विभाग की टीम है, जो पर्यावरण विभाग की टीम है, उन्हें कम से कम ये सूखी हुई लकड़ी जो हम लोग सुने थे कि ये दो तीन जो है दो तीन साल पहले चार साल पहले जो है सुन रहे थे कि पास हुआ लेकिन बन ही नहीं रहा, बहुत दिनों से नहीं है यहाँ पर। एक्सीडेंट भी होता होगा छोटा मोटा, बहुत हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है। तो देखिए जैसा कि बता रहे हैं संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, यहीं के ग्रामीण है, कहाँ घर संजय जी? यहीं पे, लेकिन जब ट्रक आ जाती है तो हम लोग को तो इतना मुसीबत होता है, लगता है कि नीचे ही चले जाएंगे। अच्छा, वीडियो के माध्यम से यही कह सकते हैं कि जी इसको सफाई करता तो ठीक था, सुरक्षित होता। सर मैं संजीव, दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला के जो महनार और जो हाजीपुर का पथ है, जो NH बनना था 128-122 बी NH, उसी NH के पथ पर जो अभी NH बना तो नहीं है मगर इसका नामकरण पहले ही हो चुका है। और बिहार सरकार की जो वन विभाग है, वो वन विभाग की लापरवाही आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहे हैं एक पेड़ है जो सूखा हुआ है, करीब 6 महीना से ऊपर भी हो गया होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं सूखी हुई एकदम अवस्था में, और दियारा भी लग गया है इसमें, इसको खोद के देखिए पेड़ से तो एकदम दियारा भी लग गया है, क्या हालत में है। और खास करके ये रोड पर है, जिस रोड पर प्रत्येक क्षण मिनटों में यहाँ से बड़े बड़े वाहन और मोटरसाइकिल साइकिल चलते रहता है। और खास करके दिक्कत ये है, जो रोड भी बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, जर्जर स्थिति में ये रोड है 128 बी NH और अभी तक नहीं बना रोड, और भूअर्जन की कार्रवाई शुरू है ये पेपर मुद्दे पर, जमीनी मुद्दे पर अभी तक नहीं दिख रहा, मगर बिहार सरकार को और बिहार सरकार की जो टीम है, जो वन विभाग की टीम है, जो पर्यावरण विभाग की टीम है, उन्हें कम से कम ये सूखी हुई लकड़ी जो 6 महीने से भी ऊपर हो गया होगा, दियारा लग गया है, क्या स्थिति में है समझ सकते हैं आप, देख रहे हैं इसका जड़ हम दिखलाएंगे कोशिश करेंगे, दियारा लगा हुआ है एकदम 6 महीने से भी ऊपर हो गया होगा, ऐसे भी लकड़ी ये बेस्ट हो चुका, अगर ये लकड़ी यहाँ से उठ के जाता तो हो सकता था सरकारी खजाने में, सरकारी राजस्व में कुछ जरूर उसका आर्थिक स्थिति बदल जाता। बताइए तो आप देखते हैं इसी रास्ते से गुजरते हैं? हाँ, इसी रास्ते से गुजरते। कितना दिन से गुजरते हैं इस रास्ते? कहाँ गए? ये तो हो गया इसका करीबन लमसम 8-9 महीना हो गया। तो किस चीज का? लकड़ी का ना, बताइए पर्यावरण विभाग का, देखिए कितना परेशानी, आइए आइए इधर धक्का भी लग जाएगा, आइए आप देखिए रोड पर लोग को साइड में भी खड़ा होने के लिए नहीं है, आप देख रहे हैं, अब एक गाड़ी यहाँ से गुजरेगा और दूसरा गाड़ी, आप समझ रहे हैं ना, साइड अगर लेना होगा दूसरा गाड़ी को तो कैसे साइड लेगा बताइए, कष्ट है, परेशानी है, इसी में तो दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, कभी कोई आके लड़ भी जाता है इसी में, लड़ जाता है ना। हाँ, लड़ जाता। क्या नाम हो आपका? संजय। संजय जी जी, संजय जी, संजय जी कितना दिनों से बता रहे थे आप? 8 महीना से। क्या लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे वन विभाग की टीम को बताइए? हम क्या कर सकते हैं, कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? वीडियो के माध्यम से यही कह सकते हैं कि जी इसको सफाई करता तो ठीक था, सुरक्षित होता, अपना ले जाइए। कारण कि यहाँ पर मतलब संजय जी आप देखिए यहाँ पर ये दियारा लग गया, आप जो बता रहे हैं 8 महीना, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 8 महीने से ज्यादा ही हुआ होगा कम नहीं, क्योंकि ये पूरा पार्ट इसका सर चुका है, और खास करके अगर ये पार्ट अगर विभाग में जाता तो कुछ ना कुछ काम आ जाता, और कोई काम क्या होते, जलाने वाला काम हो गया, बिल्कुल है जलाने वाला काम है, तो या तो इसको अगर कोई छू ले या कोई ले जाए तो उस पर केस हो जाए, केस हो जाता है ना। तो कोई इसी नहीं छू रहा है, नहीं छू रहा है, कोई नहीं छू रहा है, सरकारी चीज है भाई, सरकारी चीजों को हम क्यों छुएंगे, मगर यहाँ पर ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, सरकार के राजस्व खजाने में भी नहीं जाएगा, मगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा बताइए, बताइए एक्सीडेंट होता है कि नहीं? तो इसका कोई देखभाल नहीं है यहाँ पर, एक्सीडेंट भी होता होगा छोटा मोटा, बहुत हो रहा है, हो रहा है ना, फिर देखिए बाइक वाला है इससे पूछना चाहेंगे, अच्छा बताइए क्या परेशानी नहीं होता है यहाँ पर? इसीलिए बहुत ज्यादा परेशानी होता है, यहाँ जो है डबल ट्रैक बनना चाहिए, लेकिन जब ट्रक आ जाती है तो हम लोग को तो इतना मुसीबत होता है, लगता है कि नीचे ही चले जाएंगे। अच्छा, खास करके ये बताइए, मान के चलिए 128 भी NH पास हो चुका था, नितिन गडकरी ने पास भी किया, भू जो अर्जन की कार्रवाई है वो सरकार के द्वारा प्रारंभ है, वो ऐसा बोला जाता है, ठीक है, विभिन्न चैनलों पर या पेपरों में आप देखते होंगे, मगर जमीनी मुद्दा यह है जो अभी तक नहीं हो रहा है, जो हम लोग नहीं देख रहे तो हम लोग बोलेंगे नहीं हो रहा है, क्योंकि कागजों पर यह चीज दिख, हम लोग सुने थे कि ये दो तीन जो है दो तीन साल पहले चार साल पहले जो है सुन रहे थे कि पास हुआ लेकिन बन ही नहीं रहा, बहुत दिनों से साइड हो जाइए उसके बाद साइड होकर हम लोग बात करते हैं। हाँ बताइए, हम लोग 3-4 साल पहले से सुन रहे थे कि आप पास हो गया, आप बनेगा, लेकिन बन नहीं रहा है अभी तक, लेकिन कब बनेगा हम लोग को भी मालूम। जो भी मार्ग है, एक तो एक सड़क टूटा हुआ है, बरसात का मौसम आएगा तो काफी दिक्कत होता है साइड लेने में, सड़क टूटी हुई है हर एक जगह, बहुत ज्यादा टूटी हुई है, और ये वन विभाग की टीम की सरकार की लापरवाही देखिए, पेड़ के काट के 6 महीना से भी ऊपर हो गया होगा करीब,
पैर में दियारा लग गया है, छह महीना से ऊपर हो गया है, पैर देखिए यहाँ रोड पर है, क्या इसको नहीं ले जाना उचित था यहाँ पर? मैं ले जाना चाहिए यहाँ पर, जो है जब ट्रक आएगी, बस ओवरटेक होगा, कुछ भी होगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगा यहाँ पर लोगों को, लेकिन लोग क्या कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजा शर्मा। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ मौक बाजार, मौक बाजार बगल के, यही रास्ता है ना आने जाने का? यही रास्ता पड़ेगा। मन दिक्कत होता है कभी कभी? दिक्कत यहाँ पूछा रहा, बहुत ज्यादा दिक्कत, जब नाइट में तो और ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, बहुत ज्यादा ना? हो सकता है कोई दुर्घटना भी हो जाए, हो सकता है यहाँ पर। मैं मान के चलिए, जैसा कि क्या बोले थे नाम आप? राजा शर्मा, ये बता रहे थे। शर्मा जी, आप तो लकड़ी को बेहद तरह से पहचानते होंगे। ये देखिए दियारा लग गया है, ये लकड़ी को बताइए, जो जिस लकड़ी का हालत ये हो गया होगा, ये कितने दिनों का लकड़ी होगा बताइए? ये 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 आप अनुमान लगा सकते हैं ये लकड़ी कितने दिनों का होगा? और स्थिति देख रहे ना इसका, इसका स्थिति ये है, ये सड़क पर, बिल्कुल सड़क पर है। और कितना परेशानी होगा, टेम्पू चालक है या कोई ट्रक यहाँ से गुजरता होगा, कितना परेशानी होता होगा, ये दृश्य दिखा रहे हैं वन विभाग की टीम को। मैं आग्रह कहूँगा उन टीम को, और यहाँ से ज़्यादा महज जो वन विभाग की टीम है, जहाँ पर मैं रहती है टीम, वो महज मुश्किल से 1.5 किलोमीटर यहाँ पर मैं दूर है। अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासनिक महकमे लोगों से मेरा निवेदन है, और प्रशासन का भी, जो रास्ता आने जाने का है, जो शेरपुर दियारा जाते हैं या शेरपुर जाते हैं, यही रास्ता से मुख्य मार्ग से जाते हैं, क्या प्रशासन को भी इन चीज़ों को देखना चाहिए? और यही नहीं, इस रोड पर ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो सूखा हुआ, आप देख सकते हैं अपने कैमरे के पर, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस सूखा हुआ पेड़ में भी दियारा लग गया है, मगर इस टीम को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इस दियारे वाले पेड़ को कटवा के और अपने जो पर्यावरण विभाग का जो जहां पर इसका रख रखाव होता है वहां पर ले जाए। अगर इसी पेड़ को अगर कोई गरीब छू ले, यहां से आप देख रहे हैं ना पेड़ एकदम बहुत अच्छा बात है, जल जीवन हरियाली बना हुआ है, मगर जो दृश्य आज से 5 साल पहले हुआ करता था इस सड़क पर, वो भी दृश्य अभी फिलहाल नहीं है। और सूखा हुआ पेड़, एक पेड़ तो लगाया नहीं जा सकता, फिर भी फिलहाल जो सूखा हुआ पेड़ है, कम से कम महाराज इसको काट के यहाँ से ले जाइए और अपने विभाग में कम से कम इसको लगाइए। अगर इस पेड़ को अगर कोई गरीब छू दे तो उस गरीब पर FIR होके उसे जेल या दंड जुर्माना भी लग सकता है। बने रहे हमारे साथ, दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम।